अभी मैं हूँ अभिनव पार्क में और जहाँ एक महिलाओं का एक बड़ा उत्सव हो रहा है, हरियाली तीज महोत्सव। और यहाँ किस तरीके से महिलाएं इस उत्सव का आनंद ले रही हैं ये जानते हैं, किस तरीके से इस तरीके के कार्यक्रम में आनंद महसूस कर रहे हैं। तो बेटियां भी आज बेटों की तरह बड़ी हैं, शानदार काम, बेटियों को भी समान अधिकार देना चाहिए। जो आजकल का तनाव, जो युवा भाई यहाँ खड़े हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल नशा है वो आग की तरह फैलता जा रहा है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर देश चलता है, तो अगर आज देश नशे की ओर चल पड़ा तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। तो सभी युवा भाइयों से ये निवेदन है कि नशे से दूर रहते हुए न भारत निर्माण का जो सपना है उसे हम सब लोगों को मिलकर के पूरा करना है। आज इस कार्यक्रम में हमारी भजन मंडली भी यहाँ आई हुई है और सभी माताएं और बहनें और जो बेटियां, ये जो झूले हैं, झूले लगे हुए हैं, तो उससे जो पुराने समय का जो याद ताजा हुई है। हमारे बीच में मेरे साथ आदरणीय सप्तम जी गोदारा भी आए हुए हैं, डॉक्टर बलवीर जी सारण भी आए हुए हैं और बहन मीना रहन जी भी आए हुए हैं। तो मैं तो जो ऐसे प्रोग्राम है क्या लगातार इनको जारी रहना चाहिए। अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें और इसी तरह से हम सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते रहे। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, सम्मान और सम्मान दिया, हृदय से आप सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। संस्कृति धीरे धीरे डूबते जा रही है, इन प्रोग्रामों से ये संस्कृति का हम आनंद ले रहे हैं। जो आप घर से सोच के आए ये प्रोग्राम इतना आनंदमय होने वाला है, उसके अनुरूप कार्यक्रम आपको मिला या नहीं मिला? पहले तो अभिनव तीज महोत्सव का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हम घर सोच के आए थे एंजॉय करने के लिए इस चीज का, तो हम बहुत ही खुश हुए यहाँ पे आके क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा। हम बढ़िया डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब लेडी से मिलना हुआ, सब एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और ये ऐसे प्रोग्राम लगने चाहिए ताकि हमें एक दूसरे से मिलना हो जाता है और बहुत अंदर से खुशी हो रही है, लेडीज को बाहर निकलना हो जाता है थोड़ा और थोड़ा एंजॉय हो जाता है। धन्यवाद। ये थी जो महिलाएं जो लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आनंद ले रही हैं और आज चूल्हे चौके की जो बातों से यहाँ अलग होकर एक इस ऐसे उत्सव का जो आनंद महसूस कर रही हैं। और आज हाँ जी कुछ बोलना चाहिए आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ। आज का कार्यक्रम बहुत 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 अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, एंजॉयमेंट बहुत अच्छी सी हुई है। जिस तरीके से आप घर से सोच के आए उस तरीके का कार्यक्रम मिला, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, अच्छा हुआ प्रोग्राम, हमने खूब एंजॉय किया। कैसे बेटा, अच्छा लगा? बताओ, बोल के बताओ, बोल के। क्या लगा प्रोग्राम?